अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अपने घर में सब अच्छे से खैरियत से होंगे। मैं आयशा वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी है बच्चों के लिए स्पेशल, आज है किड्स स्पेशल। तो आप तो सामने चॉकलेट देखकर समझ गए होंगे कि हाँ आज कुछ चॉकलेटी बनेगा। तो आज हम बनाते हैं बच्चों के लिए मीठी मीठी सी बॉन्टीवार। तो मैंने ले लिया यहाँ पर एक पैन। अब पैन में जाएगा एक कप के करीब दूध। और फिर उसमें जाएगा आधा कप के करीब चीनी। चीनी और दूध को अच्छे से मिला लें, दूध में अच्छा से एक उबाल आ जाए। अभी मैंने गैस की फ्लेम फुल पर है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूध में एक उबाल आने दो। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध में भी एक उबाल आ गया है। थोड़ा सा दूध को और पका लेते हैं। होली और ईद बच्चों के लिए भी है, तो बच्चों के लिए भी कुछ बनना चाहिए ना, कुछ ख़ास जो बहुत शौक़ से बच्चे खाएँ। तो आज मैं रेसिपी बच्चों के लिए ही लेकर आई हूँ, बच्चों को बहुत पसंद होती है बॉन्टी बार। अभी मैंने गैस की फ्लेम लो पर कर दी है और दूध को थोड़ा सा पका लेते हैं, चीनी जब तक अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अभी चीनी इसमें थोड़ी थोड़ी सी है। लेकिन बच्चा लोग खुद से नहीं ट्राई करना, अपने घर के बड़ों से बनवाना, मम्मी से, दीदी से, भैया से, जो आपके घर में बड़े हों उनसे ये बनवाइएगा, खुद ट्राई नहीं करना। फिर मैंने लिया यहाँ पर एक कप के करीब नारियल का बुरादा, कद्दूकस की हुई नारियल। जिस कप से दूध मेजरमेंट किया था उसी कप से नारियल का, उसी कप से आपको लेना है नारियल। और इसको फुल फ्लेम पर पकाते रहना है जब तक कि ये एकदम डो फॉर्म में नहीं आ जाए, जितना भी दूध है पूरा वो ड्राई हो जाए और नारियल अच्छे से एकदम डो फॉर्म में आ जाए। लो मीडियम ऐसे करके आप पूरा पका लीजिएगा और इसको चलाते रहिएगा ताकि इसमें किसी तरह की गांठें ना पड़े। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट कप नहीं है तो आप घर का कोई कप, कटोरी, उसके अंदाज से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का सा दूध सूखने लगा है, बट अभी ये बहुत गीला है, इसको और सुखाना है। तो ये देखिए दूध आधे से ज़्यादा सूख चुका है। तो अब आप यहाँ पे गैस लो करके जितना भी इसका मॉइस्चर है उसको आप सुखा लीजिए। अगर आप हाई फ्लेम पे अभी भी रखेंगे तो हो सकता है नारियल जो ये गरी है, नारियल का बुरादा है, ये जल भी सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसका पूरा मॉइस्चर ड्राई कर लीजिए। तो अच्छी तरह से एकदम पूरा मॉइस्चर सूख गया है और ये एक डो की फॉर्म में भी आ गया है। तो अब यहाँ पर गैस ऑफ कर दीजिए और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको एक बाउल में इस तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो ये नारियल बहुत अच्छे से हल्का सा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो फिर आपको इसको ऐसे एक एक स्पून लेके इस तरह से आपको एक शेप दे देना है, बॉन्टी का शेप जैसे होता है ना, आपको वैसे ही देना है। देखिए इस तरह से, ये कैसी चॉकलेट है जिसमें जो आपको इसमें खांचे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही इतनी अच्छा शेप ले लेती है। तो ये देखिए
इसी तरह से आपको सारा सब बना लेना है। तो ये देखिए मैंने सारा बना लिया है और एक कप नारियल में 9 पीस बनी हैं और इसको रख देते हैं फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो अब डबल बॉयलर से ये सारी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पानी मैंने बहुत अच्छे से खौला लिया है, आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। टेम्परेचर 80 रहेगा और 20-20 सेकेंड के लिए आप इसको करके माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। 20 सेकेंड के लिए डालिए, फिर आप निकाल कर फिर ऊपर नीचे चॉकलेट करके फिर 20 सेकेंड के लिए आप माइक्रोवेव में डाल दीजिए। इसको चलाते हुए चॉकलेट पूरी अच्छे से एकदम मेल्ट कर लेनी है। चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसको इसी तरह से चलाते हुए ऊपर नीचे करके हल्का सा इसको ठंडा कर लेना है, इतना कि अपना हाथ हम इसमें डाल सकें, इसको टच कर सकें, बस इतना रहेगा। ज़्यादा नहीं ठंडा करिएगा, अगर आप गरम गरम में गरी डाल देंगे जो हमने गरी की चॉकलेट बनाई है तो वो इसके साथ पूरी मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए हल्का सा इसको कुनकुना करना है। इसी तरह से चलाते हुए आपको बिल्कुल इसको कुनकुना सा कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा बॉन्डी भी अच्छे से सेट हो गया है। फिर इसको इस तरह से चॉकलेट में डिप करके अच्छे से इसकी चॉकलेट की इस पर कोटिंग कर दीजिए इस तरह से। एक फोक की हेल्प से अच्छे से पूरी चॉकलेट की कोटिंग करके इसको इसको फॉइल पेपर पे या बटर पेपर पे जैसे भी आपको लगे सही आप उस पर रख दीजिए। मैंने यहाँ प्लास्टिक की ट्रे ली है, इस तरह से लेके और नीचे से सारी चॉकलेट रिमूव कर दीजिए। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है। शेप थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि पता नहीं क्यों चॉकलेट बार बार एकदम ड्राई हुई जा रही थी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है का। तो आओ बच्चों करते हैं पार्टी, तो खाइए खिलाइए अपने घर में, खुश रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।